आप तमाम नासरीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। हज 2023 के इंतजाम हज हाउस नामपल्ली में बड़े पैमाने पर शुरू हो चुके हैं। इस खसूस में हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली हज हाउस में बतारीख 22 मई बरोज़े पीर से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन कैंप के लिए महकमे सेहत के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया और वज़ीर सेहत टी हरीश राव को भी इस खसूस में दावतनामा दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस साल हुकूमत हिंद ने मद्रास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हाजियों के लिए खसूसी काउंटर शुरू करवाया है ताकि हिंदुस्तान की करेंसी का सऊदी रियाल में तबादला किया जा सके। SBI ने हैदराबाद में 8 से 10 ब्रांचों के साथ ये सहूलत शुरू की है। इस बार SBI ने 10 लाख हादसाती बीमा के साथ गैर मुल्की कार्ड भी फराहम किया है। विस्तारा एयरलाइंस के अहदेदारान से भी मोहम्मद सलीम ने खसूसी जायजा इजलास मुनक़िद किया और पहली परवास 7 जून से 22 जून तक चलते रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से जो है इंस्पेक्शन था यहाँ पर और पूरे डॉक्टर्स की मीटिंग थी वैक्सीनेशन के बारे में, उसके बारे में। फिर हमारे मंडे के दिन हरीश राव साहब इनॉग्रेशन करेंगे 11 से 11:30 के बीच में इंशाल्लाह ताला। और हमारे AK खान साहब, महमूद अली साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर और हमारे चेयरमैन पूरे और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह साहब, इरफान शरीफ साहब और पूरे हमारे ऑफिसर्स स्टाफ और हमारे तौसीफ साहब जो सप्लाइंग का जो काम कर रहे हैं, इनकी कितनी भी तारीफ करें कम है क्योंकि हर साल इन्हों यहाँ पर काम करते हैं। फ्री सर्विस है समझो आप, कोई पैसों का मुतालबा नहीं। अच्छे से अच्छे इंतजाम पूरे AC के साथ टेंट रहेगा यहाँ पर हाजियों के लिए, पूरा एयर कंडीशन रखे आपके हम लोग गर्मी की वजह से। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन हेल्थ के मिनिस्टर है हमारे हरीश राव साहब, वैक्सीनेशन यहाँ पर सुबह में 11 से 11:30 बजे स्टार्ट करेंगे। पूरे डॉक्टरों की टीम है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर्स होना बोल के, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ये करना बोल के जो है ना ऑर्डर दी, तो उसी हिसाब से। मगर दारुसलाम के भी जो हमारे साथ जो सर्विस है 25 असरा हॉस्पिटल के, मैं अकबर साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि 25 साल से जो है ना जब से एच कैम्प चालू हुआ असरा हॉस्पिटल हमको फ्री सर्विस दी यहाँ पर एच कैम्प में, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब के भी उन्होंने भी रहेंगे, उनके पूरे सर्विसेज असरा हॉस्पिटल के भी ले रहे हैं हम लोग और गवर्नमेंट के भी सर्विसेज पूरे हैं और वैक्सीनेशन पूरा गवर्नमेंट दे रही। और इंशाल्लाह ताला और एक नई स्कीम है कि SBI का जो बैंक है वो बैंक वालों से आज मीटिंग हुई मेरी, मीटिंग में जो है ना 10 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस फ्री देते बोल के है वो लोग, तो वो जो है ना हम लोग इंशाल्लाह ताला उनके और क्या है उसके स्कीम समझ के फ्री 10 लाख का इंश्योरेंस हर आजी को जो है जो 700 रुपए का कार्ड बनाएंगे उनके लिए जिंगे बोल के है, तो यहाँ पर वो भी स्टॉल लगाएंगे हम SBI का। और लुलू ग्रुप वालों को भी हम लोग कन्फर्म करें रियाल के लिए, और दारुसलाम बैंक से भी जो है रियाल मिलने का इंतजाम है यहाँ पर हर साल की तरह, इस साल भी कोई चेंजेस नहीं और अच्छे से अच्छे सर्विसेज देंगे। और रियाल का रेट जिसके ना कम है पब्लिक वहां से लेती, और इंशाल्लाह ताला आपके हमारा स्टाफ हमारे एच कमेटी के पूरे ऑफिसर्स पूरे इरफान वगैरह लोग पूरे लोग काम में लगे रहे। इसमें तौसीफ साहब भी जो है हमारे सप्लाइंग कंपनी के, उन्होंने भी पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, फ्री सर्विस दे रहे सब लोग इंशाल्लाह ताला। विस्तारा एयरलाइंस का भी फूड का हम लोग आज इंस्पेक्शन करें, उसके भी फोटो से लेके दो भी फोटो भी, तो खाने का जो है ना ब्रेकफास्ट भी देंगे वो लोग फ्लाइट में बैठने के बाद, लंच भी देंगे वो लोग, तो वो भी इस विस्तारा की भी सर्विस अच्छी है, तो हम फूड क्या क्या दे रहे वो भी टेस्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई चीज की कमी नहीं है। अल्लाह चाहे तो जो है ना इंडिया में सबसे नंबर वन हज एम्बार्केशन हमारा आया था, आपके भी हमारे ऑफिसरों के हम सब मिलके जो है ना एक टीम वर्क करके KCR साहब की गवर्नमेंट में हम लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट के जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर पूरी मिशनरी गवर्नमेंट की हमारी, पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और हमारे वाटर वर्क्स, GHMC, पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट को CM साहब इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और अल्लाह चाहे तो CM साहब KCR साहब की गवर्नमेंट में अच्छे से अच्छे इंतजाम इंडिया में कहीं भी नहीं है,
हमारे हाजी को पीसफुल कंफर्टेबल करके यहाँ से रवाना करेंगे। बसेस भी एयर कंडीशन टेंडर कर दिए हम लोग, और खाने का भी अच्छे से अच्छा इंतजाम है हाजियों के लिए। इंशाल्लाह ताला कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हम लोग सब मिलके जो है एक अच्छा टीम वर्क करके गवर्नमेंट के साथ हम लोग एक खान, हम लोग सब मिनिस्टर्स महमूद अली साहब, हम लोग माइनॉरिटी मिनिस्टर हरीशरो साहब, केटीआर साहब, हम लोग सब मिलकर जो है ना, शफीउल्लाह साहब, इरफान शरीफ, सब मिलके एक टीम वर्क करके हाजी को कोई कंप्लेंट नहीं आया वैसा। इंशाल्लाह ताला मैं भी रात दिन यहाँ पर ही काम में लगे हुए, हम लोग हमारा स्टाफ पूरा, इंशाल्लाह ताला खुदा हाफिज। समर उत्सव मेला लेकर आए हैं 180 डिग्री मराइन व्यू फिश टनल एंड एक्वेरियंस। अब आपको दुबई, सिंगापुर या मलेशिया जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी रफीक भाई का नया कारनामा पेश है जो आपने कभी नहीं देखा। वैसे रंग बिरंगी और बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ देखने मिलेंगी। समर उत्सव मेला 2023 हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स कंज्यूमर एग्जीबिशन, इंडिया का नंबर वन एग्जीबिशन। आप अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और शॉपिंग, फूड कोर्ट, अम्यूजमेंट राइड्स जैसे जाइंट व्हील, ब्रेक डांस, कोलंबस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा कोवा और भी बहुत कुछ का मजा लें। रोजाना शाम 4 बजे से 11 बजे तक खूबसूरत और साफ माहौल का मजा लीजिए। और इतना ही नहीं, डिजाइनर सूट्स, ड्रेस मटेरियल, फैशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर, किड्स प्ले एरिया, कार पार्किंग की सहूलियत के साथ। तो फिर देर किस बात की, जल्दी आएं अपनी फैमिली के साथ समर उत्सव मेला का मजा लीजिए। समर उत्सव मेला 2023 पीपल्स प्लाजा, नेकलेस रोड, हैदराबाद।